शुरू आपका स्वागत करती हूँ हेजी न्यूज में। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन से हमारे सामने मामला आ रहा है जहाँ पर एक नकली टिकट चेक करने वाले व्यक्ति को अभी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। मुंबई के दादर से हमारे सामने ये मामला आ रहा है जहां पर एक्चुअली एक व्यक्ति लोगों की टिकट चेक कर रहा था और टिकट चेक करते हुए वो काफी सारे वसूली भी कर रहा था। और उसी दौरान जब वहां की टीम ने अपने ही लोगों के चेकिंग करने शुरू की और अपनी टीम के मेंबर्स को बुलाया, तब उसी बीच में गौतम विश्वास नाम का एक शख्स भी उस टीम में खड़ा था। और जब सब लोगों की चेकिंग हो गई थी और सब लोगों की क्रॉस इंक्वायरी हो गई थी, तब पता चल गया था कि वो लोग इसी टीम के हैं। और उसके बाद जब गौतम विश्वास की चेकिंग होने के लिए आई लाइन में खड़े हुए शख्स की, तब उसके बाद जब उससे पूछा गया हर एक डिटेल के बारे में, जो डिटेल उसने बताई तो उससे सब चीजों से साबित हो गया कि ये उसी टीम का नहीं है। और उसके बाद वो काफी ज्यादा घबरा गया। घबराने के बाद उसको काफी ज्यादा पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद पता चला कि ये एक्चुअली नकली टिकट चेक कर रहा है और लोगों से वसूली कर रहा है। इस मामले को पुलिस में दर्ज करवा दिया गया और उसके बाद जब वहां पर पुलिस पहुंची तब उस शख्स को वहां से गिरफ्तार करके ले गया। अभी उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों की टिकट चेक की और वसूली की है। आई होप गाइस इसके बारे में जान के आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप भी कहीं जा रहे हैं या आप लोगों को कभी डाउट होता है कि ये उस टीम का मेंबर नहीं है, तो आप उसको टिकट चेक ना करवाइए और अपनी टिकट जो होती है उसको आप सही सलामत रखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे धोखाधड़ रहते हैं जो कि आपसे ऐसे ही वसूली कर लेते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताते हुए जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एच डी न्यूज़।